आज तक शायद ऐसा एक भी स्टूडेंट ना रहा हो जो एग्जाम के नाम पर ना घबराया हो। लेकिन why fear when Modi ji is here? स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में वो देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। बस ये एग्जाम पास कर लो, फिर तो लाइफ सेट है, मजे ही मजे हैं। ये लाइन हम सब ने कई बार सुनी है, लेकिन ये कहाँ तक सही है? क्या मार्क्स ही सब कुछ है? एक काम करते हैं, मोदी जी से सुनते हैं उनका इस पर क्या है कहना। आपकी ये चिंता सही है और शायद हर विद्यार्थी को घर में और स्कूल में लगातार इसी का मुकाबला करना पड़ता होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को लेकर के, जिसमें सफलता विफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गया है और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा। एक बार मार्क्स ले आऊं, माँ बाप भी यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, कह रहे भाई पहले तुम दसवीं बढ़िया कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर ग्यारहवीं में आएंगे तो फिर कहेंगे भाई बात बराबर है लेकिन बारहवीं बहुत महत्व की है, जरा इस पर जोर लगा दो। फिर कहेंगे एंट्रेंस एग्जाम महत्व की, इस पर जोर लगा दो। उनका इरादा होता है कि बच्चे को जरा मोटिवेट करें, उत्साहित करें, लेकिन किसी जमाने में शायद यह सत्य होगा, आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई है, सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए। जिस दिन माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। आपने देखा होगा किसान, हो सकता है स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई हो, लेकिन वो सीखता है, अनुभव करता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, शिक्षा की अपने खेती की पद्धति बदलता है, आधुनिक करता है, जीवन को कितना बढ़िया बना देता है। और इसलिए मैं साफ कहूंगा कि परीक्षा का महत्व है, उसके बावजूद भी परीक्षा ही जिंदगी है, ये सोच से हमें बाहर आना चाहिए। जीवन में कई प्रवृत्तियां होती हैं, कई चीजें होती हैं, इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी कहना सही है, एग्जामिनेशंस पूरी जिंदगी नहीं है, ये महज एक पड़ाव है जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम को ही बी ऑल एंड एंड ऑल मानते हैं। क्या अपने जीवन को एग्जाम के दायरे में बांधना सही है? मोदी जी कहते हैं कि परीक्षा के बाहर भी दुनिया होती है, आइए सुने। परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूं अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करे कि भाई ये एग्जाम दसवीं कक्षा की है, ये एग्जाम बारहवीं कक्षा की है,
ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है। अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब दसवीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती, ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एकाद एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है। कसौटी हमें कसती है, कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। परीक्षा अभी की तैयारियों की है, आपके पूरे जीवन की नहीं, तो दसवीं के बाद, बारहवीं के बाद ही क्यों, हमेशा ही मस्त रहे। ये सब तो ठीक है, लेकिन परीक्षा फिर आखिर इतनी जरूरी क्यों है? क्या फायदा इन एग्जाम्स का? मोदी जी का मानना है कि जब हम अपने आप को कसौटी पर कसते हैं तो हमारी हिडन एनर्जी, हमारी क्वालिटीज बाहर आती हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं। देखिए, कसौटी बुरी नहीं होती है, एग्जाम बुरी नहीं होती है, हम उसके साथ किस प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं, हम किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और मेरा तो सिद्धांत है कि कसौटी कसती है, कसौटी कोसने के लिए नहीं होती है। लोग कसौटी को ही कोसते हैं। एक्चुअली अगर हम अब मान लीजिए किसी को ओलंपिक खेलने के लिए जाना है, अगर वो तहसील में खेला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में खेला नहीं है, स्टेट में खेला नहीं है, इंटरस्टेट नहीं खेला है, नेशनल नहीं खेला है और वो ओलंपिक के सपने देखेगा तो कहां से होगा भाई? उसको हर पल कसौटी में कसना पड़ेगा। इसलिए हम एग्जाम को, कसौटी को एक अवसर माने, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा। और जब चुनौती होती है तो एक ईश्वर ने एक हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत दी होती है। अब देखिए, आप नॉर्मल आवाज में कभी बात करते हैं, लेकिन भीड़ में किसी को बुलाना है तो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर होती, इतने जोर से बोलते हैं जैसे आर्मी का कोई अफसर की भी आवाज न निकले, इतनी बड़ी आवाज निकलती है आपकी। भले एक पल के लिए निकलेगी लेकिन ऊर्जा अंदर पड़ी हुई है। एक समय था, अपॉर्चुनिटी आई, आपकी ऊर्जा बाहर आई, आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा हो। आपने ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस कसौटी के समय मेरी वो कौन सी क्षमता थी जो उभर करके आई। कभी कभी तो आपने भी देखा होगा, ऐसी चीजें आपके मन में से आती होगी, ऐसे विचार आते होंगे, दोस्तों के साथ बातचीत में ऐसा वाक्य निकलता होगा जो कभी आपने भी सोचा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके भीतर परमात्मा ने बहुत सामर्थ्य रखा हुआ, लेकिन उस सामर्थ्यों को परखने के लिए आपका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एग्जाम वो आपको अवसर देती है,
आपके अपने सामर्थ्य को परखने के लिए, दूसरा हम एग्जाम के लिए जिंदगी न जिए, हम खुद के लिए जिंदगी जिए। जब हम खुद के लिए जिंदगी जीते हैं हमें लगता है कि नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज एक्वायर करना शुरू करें तो आप देख लीजिए मार्क्स अपने आप फॉलो करेंगे, आपका पीछा करते हुए करते आपके दरवाजे आप पे खड़े रहेंगे। लेकिन गलती हम करते हैं, हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, जिंदगी पीछे छूट जाती है। हम जिंदगी से जुड़ते चले, नॉलेज एक्वायर करते चले, मार्क्स अपने आप पीछे आपके दौड़ करके आएंगे, मार्क्स खुद आपको गले लगाने के लिए आपके पीछे दौड़ेंगे। और इसलिए इसको देखने का तरीका ये अगर आपका साफ सुथरा होगा तो मुझे विश्वास है कि एग्जाम कभी भी बोझ नहीं लगेगी। सचमुच मैं तो एग्जाम को एक उत्सव के रूप में, एक अवसर आया है, चलो वाह मजा आया, गया खेत देखता हूँ क्या करता हूँ, ये मूड चाहिए। तो बच्चों आज से ज्ञान के पीछे भागना है, और जब हम नॉलेज के पीछे भागेंगे तो मार्क्स आपके पीछे पीछे भागेंगे। नरेंद्र मोदी जी एग्जाम्स की तैयारी किसी फेस्टिवल, हाँ यानी त्योहारों की तरह ही करने की सलाह देते हैं। एग्जाम्स को किस एटीट्यूड से देखना है और कैसे इसका सामना करना है, इसकी आज अच्छी सीख मिली। शायद ये आपके लिए मददगार साबित हो। आइए एग्जाम को बोझ नहीं उत्सव बनाने का संकल्प लें।